Hi Pramod. Hi, hi Aditya. How are you? Very well. Welcome to Suzy Podios Conversations again. Thank you. Thank you. You were on the channel eight years ago where we shared your amazing, inspiring journey. Oh, is it eight years? Yes, it uh, yes. has been that long a time. Oh, <laughs> yeah, wow. Yeah. So, <laughs> a lot of viewers will learn from your journey and I'm sure they'll watch those videos again. And mm -hmm. uh, now you've progressed to become Dr. Pramod Chandurkar oh <laughs> so if you could just share with us and the viewers ke what exactly was this uh, glorious moment in your life uh, actually that was a very unexpected moment i would say uh, because uh, uh, i had been uh, doing a lot of uh, work in terms of since i started the um, institute and started teaching and ऑफिशियली टीचिंग वेन वी स्टार्टेड एंडमी कुछ ना कुछ हर के, के uh, जैसे बच्चों को पढ़ाना कहता है, तो है जब आपको बच्चों को पढ़ाने जाना है क्योंकि तब तक तब तक आप जब स्टूडियो uh, uh, में सिखाते होते हैं तो दैट इज अ वेरी डायलॉग ओरियंटेड टीचिंग होता है ना वो की एज पर सिचुएशन आपने एक चीज बता दी दूसरी चीज बता दी

इंडिया में जो कई भी चीजें अवेलेबल है इंटरनेट यूट्यूब सो नॉट दैट एवरी थिंग अप्लाईज ऑन डे टू इफ यू लुक एट डे टू डे वर्क वे वी वर्क तो मैंने उसको अपने हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आए इस हिसाब से मैंने काफी कुछ उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की लिखते लिखते Uh, काफी कुछ बन गया था मटेरियल uh, तो uh, फिर एक uh, मेरी मुलाकात हुई थी एक बार जब मैं ट्रेवल कर रहा था बाहर uh, एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी uh, के ऑफिशियल से और हमारी uh, काफी दोस्ती हुई उनपे uh, बातें हुई तो तब उन्हें पता चला ही वाज आल्सो एन आर्टिस्ट तो अच्छा ये आप करते हैं विच इज वेरी गुड इन इंडिया वी आर नॉट वी आर नॉट नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट इट तो देन ही टू आस्क मी कि भैया आपका क्या क्वालिफिकेशन है आपने क्या पढ़ाई की है एंड ऑल तो मैंने बताया कि भाई मैं बॉटनी ग्रेजुएट हजियर मैंने कुछ ऐसे ऑडियो की तो पढ़ाई की नहीं है तो uh, uh, ऐसे में ऑन द जॉब सीख के तो ही सेड नो 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 दिस दिस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो वी वी एक्चुअली वैल्यू दिस लर्निंग अ लॉट मोर देन ऑफिशियल लर्निंग तो तो आई सेड सेड अच्छा देन दे दे हैड दैट यू नो व्हाट वी हैव वी वर्क इन दिस फॉर दिस यूनिवर्सिटी जहाँ पे यू कैन एक्चुअली वी वैल्यू प्रायर एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको कि प्रायर एक्सपीरियंस लर्निंग को वी वैल्यू अलॉट सो वाई डोंट यू क्रिएट अः प्रोजेक्ट काइंड ऑफ अ थिंग आपने आपका जो पेपर आपने जो जो कुछ अभी तक किया है उसके ऊपर इफ यू कैन क्रिएट अ पेपर एंड सेंड अक्रॉस सो यू ने लाइक्स इट एंड कैन प्रोसेस समथिंग तो आई वॉज नॉट अवेयर की पी एच डी वगैरह की बात करें तो मैंने बोला ठीक है भाई मैंने लिखा तो हुआ है सो इट हैपन की उसमें काफी एक डेढ़ साल तक की प्रोसेस थी लंबी तो उसमें मैंने काफी कुछ इधर उधर लिखा कुछ पढ़े रिसर्च पेपर्स कैसे होते हैं क्या होते हैं क्योंकि हम ऑफिशियली तो अपने को कैसे लिखा जाता है प्रेजेंट किया जाता है वी हैव टू लर्न ना लाइक देर आर टू मेनी थिंग्स टू दैट सो उन्होंने भी कुछ रेफरेंसेस मुझे भेजे तो फिर मैंने उसको सब डाल के भेजा

to that and it is approved by the UNICEF and uh, grade 8 or something uh, what I remember if I remember right तो aisa sab karke then they approved the paper and they sent me across the to Delhi mein unke uh, consulate के through एक होता है इधर एक function होता है छोटा उन्होंने actually वो prior learning के ऊपर काफी अलग-अलग लोगों को recognize करते हैं तो उसमें sound engineering में पहली बार हुआ था शायद उनके इसमें तो I got to got this opportunity and

काफी काम कर चुके हैं और आपके इंस्टीट्यूट में भी गेस्ट लेते हैं तो उन्होंने जब ये करियर इन साउंड इंजीनियरिंग का एक वीडियो रिसेंटली किया था तो बहुत सारे आए थे उसमें हाँ, मैंने देखा भी था वो वीडियो विजय ने बहुत अच्छी बातें की थी जी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में क्वेश्चन होगा कि बहुत साउंड इंजीनियरिंग में कुछ फ्यूचर है और क्या क्या मेरे में करियर अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए हो सकती है बिकॉज जैसे टिपिकली अपने और आजकल तो डॉक्टरों का जो रियल डॉक्टर्स जो है, उनका बहुत डिमांड भी बढ़ गया है तो mm -hmm. ये ना हो कि लोग सोचे कि भाई ये सब नहीं करने का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो लास्ट है सोसाइटी और पेरेंट्स तो इफ यू इयर्स एंड योर इंस्टीट्यूट का बैकिंग इफ यू रीच आउट टू इस लाइन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है वंस वन इज क्वालिफाइड एंड ट्रेन हाँ देखिए पहली बात तो मैं आ, ये मैं आपने जो सवाल पूछे ऐसे काफी ऐसे सवाल हमको व्हेन बच्चे जब आते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए या इंक्वायरी करने के लिए काफी बार पेरेंट्स भी उनके साथ आते हैं तो ये काफी कॉमन सवाल एक होता है लोगों का विच इज जो बहुत ही जायज सवाल है कि इसमें हम हमारे बच्चे को कॉमन ये होता है कि बच्चा कब से पीछे पड़ा है कि मेरे को ये करना है ये, ये करना है ये करना है बट हम तो इसके बारे में कुछ जानते नहीं है तो इसलिए वो पूछने आते हैं कि सर इसमें कैसा है कि कोई करियर uh, उसका एस्टेब्लिश हो सकता है क्या इज दिस अ वैलिड प्रोफेशन पर से तो एक मैं चीज बहुत कॉमनली इनको बताता हूँ कि देखिए ये ये जो एक प्रोफेशन है दिस इज अ आर्ट रिलेटेड प्रोफेशन दिस इज नॉट नाम के हिसाब से आप जाएंगे तो खाली साउंड इंजीनियरिंग मतलब इज इट लाइक अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और लाइक सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग एस्पेक्ट इज कंसर्ड इट माइट बी सिमिलर टू दैट यू कैन से क्लोज टू दैट आई वुरी आर्टिस्टिकीज नहीं है कि देखो हमारा डिफरेंस एक कॉमन चीज होती है म्यूजिशियन है और एक साउंड इंजीनियर है तो so, म्यूजिशियन का एक टूल होता है कि समझो गिटारिस्ट है तो so, वो ही इज प्लेंग गिटार सो हीज टूल टू एक्सप्रेस आर्ट गिटार और पियानो और फ्लूट और वोकलिस्ट का वोकल्स है तो दीज आर द टूल्स वैसे साउंड इंजीनियर एज एन आर्टिस्ट का टूल है वेरी आर्टिस्टिक प्रोफेशन और उसके टूल जिससे वो एक्सप्रेस करने वाला है दे आर ओनली टेक्निकल इसलिए दिस इज सीन एज अ टेक्निकल प्रोफेशन नाव इन टर्म्स ऑफ स्कोप तो देखिए स्कोप तो आप एक सिंपल चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज आप पिछले दो महीने से घर पे बैठे हैं हर बंदा जो एंटरटेन हो रहा है वो खाली टेलीविजन से या तो उसके मोबाइल फोन के इंटरनेट के चैनल से एंटरटेन हो रहा है हाउ जो एक एक प्रोग्राम आप देखते हैं एक एक मतलब आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ चैनल है हमारे पास आज की डेट में उसके ऊपर आज ओ टी टी प्लेटफॉर्म इतने चालू हुए हैं उसपे इतना कॉन्टेंट आ रहा है हर एपिसोड को करने के लिए मिनिमम तीन से चार इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है तो आप उसका हिसाब अपने आप लगा के देख सकते हैं कि कितनी डिमांड है इस चीज की आप भी नाउ एज आई एन आर्ट तो डिमांड ये ये उधर ऐसे एक मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर के हिसाब से इसकी डिमांड्स नहीं होती है कि भैया आपने एक जॉब का एडवर्टिजमेंट देखा और आपने अप्लाई कर दिया एग्जाम दे दी आपके कोर्स के मार्क देखे और आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गई दिस इज आर्टिस्टिक बेस्ड प्रोफेशन तो यहाँ पे आपको आपकी आर्ट जब आप सिद्ध करते हैं तो अपने आप आपको काम मिलता है एंड देर इज टू मच ऑफ यानी आई वुड से दिस इज वन ऑफ द प्रोफेशन वेयर देर इज हाई डिमांड एंड लेस सप्लाई ज वन ऑफ द फ्यू प्रोफेशन आई वुड से टूडे इन आयर कंट्री जहां पर डिमांड ज्यादा कम है सप्लाई कम ए का मतलब क्या आई वुड से क्वालिटी सप्लाई देखिये आज तक आदित्य आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक दस बारह साल पहले तक हमारे पास इतने इंस्टीट्यूट होते नहीं थे कि जहां पे ये पढ़ाया जाए तो इसका अवेयरनेस उतना अभी अवेलेबल नहीं है बट पीपल आर गेटिंग अवेयर विद इंटरनेट एडवांस टेक्नोलॉजी आज वी कैन रीच द पीपल डायरेक्टली ऑन देर फोन्स तो आज जिन बच्चों को करना है वो डेफिनेटली ढूंढ के आते हैं और उनको आ, आ, पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ने के बाद डेवलप होके जैसे मैंने जिस एग्जाम्पल से बताया आपको कि डिमांड बहुत है और सप्लाई कम है ट्रस्ट मी कोर्स खत्म होते ही विद इन वन ईयर आई हैव जॉइंड एट हाई पोजीशंस दे आर डूइंग ग्रेट वर्क

जोह शोजन एवरी डेटी प्लेटफॉर्म बढ़ते जा रहे हैं कॉन्टेंट क्रिएशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है ऑन टॉप ऑफ इट विद इंटरनेट लाइक एंड ऑल कितने कितने चैनल बन रहे हैं कितने लोग अपना कंटेंट डायरेक्ट यूट्यूब पे डाल रहे हैं सो एवरीथिंग यहाँ पे आपको भी जो भी चीज आपको सुननी है यू नीड अ साउंड इंजीनियर फॉर दैट सो ये एक बहुत कीमती आई वुड से अपॉर्चुनिटी है कि पीपल शुड गैप दिस अपॉर्चुनिटी और आपने एक मुझे पूछा कि बच्चों कंपैरिजन बिटवीन कई माँ बाप सोचते हैं कि नहीं भाई तू डॉक्टर बन जाए जा। uh, कई स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने बी इंजीनियरिंग किया हुआ है है ओनली किया हुआ उसके बाद जॉब किए दो दो साल और फिर छोड़ छाड़ के वो लोग ऑडियो सीखने आए बिकॉज दे रियलाइज दैट दिस इज दे वॉट दे वॉन्टेड टू डू एट द फर्स्ट प्लेस बट फॉर देयर फैमिली विशेष

कि uh, मैं आपको दो सवाल पूछूं दस सवाल पूछू पता चल जाए कि आपको जेन्यूनली आप में पैशन है कि नहीं नो वन बेटर देन द स्टूडेंट हिमसेल्फ नोज दैट द पैशन और दूसरी चीज होती है रादर देन उसके इंटरव्यू के टाइम पे मैं पूछू उसका प्रो एक्टिवनेस आई टेल यू एक सिंपल चीजे वी नोट अलॉट यू नो वी सी स्टूडेंट कम्स एंड कम्स टू विजिट द स्टूडियो एंड द फैसिलिटी यू नो वो उसके बॉडी लैंग्वेज में वो एक्साइटमेंट दिखती है If you what I mean. कि जब वो एक कंसोल देखता है जिस चीज को देखने के लिए वो इतने सालों से तरस गया उसके, आ, उसके टाउन में, में जहाँ कहीं से वो बिलोंग करता है वे इज एक्साइटेड टू एंड दूसरी एक कई चीजें होती है कि देखो वो पूछता है कि सर मेरे को ये गाना देख के म, मैं मोटिवेट हुआ था अच्छा एक जैसे आप ये सवाल पूछ रहे इसमें कई लोग ये भी एक नजरिए से आते हैं कि चल यार मेरे को uh, uh, बाकी कुछ जमा नहीं तो शायद ये जम जाएगा एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आते हैं बट ट्रस्ट मी वी नॉट जज कि ये ये बंदा सही में पैशनेट है या नहीं है बिफोर दे लर्न यू नो इट्स दैट वर कई स्टूडेंट्स आई टेल यू विच वी थॉट व्हेन दे स्टार्टेड दैट यार इसमें इतना कुछ लग नहीं रहा है बट लेट्स सी यू नो एक्चुअली दो स्टूडेंट्स आर मोर चैलेंजिंग फॉर अस कि इसमें अगर मैं इंटरेस्ट पैदा कर सका और इफ ही कैन बी सेटल्ड इन हिज लाइफ डूइंग दिस यू नो दैट विल बी अ बिग पैट ऑन बैक सो ऐसे कई एग्जांपल्स भी है हमारे पास जो आए तब लगे थे कि इतना कुछ खास इसमें पैशन नहीं है बट इवेंचुअली वो चमक उठे सो यू नो इट इज दे वी कपल ऑफ जस्ट क्वेश्चन टू आंसर अच्छा दूसरी बात ग्लैमर वाली बात तो यू नो इट इज कहीं लगता है बच्चों को ग्लैमर भी एक अट्रैक्शन होता है क्योंकि फिल्म बिजनेस है ये है वो है तो एज यू एंड मी वेरी वेल नो एंड वी मेक इट वेरी क्लियर ऑन डे वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज से बॉस हमारा जॉब इज नॉट ग्लैमरस हमारा जॉब वी वी वर्क ग्लैमर जो आगे के आर्टिस्ट रहते हैं जिनके फेस वैल्यूज दिखती है उनके पास ग्लैमर हो सकता है बट आई टेल यू देफिट ऑफ इट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ इट आई टेल यू ड्रॉबैक्स मतलब जिसको चमकना होगा जिसको देखना है कि मेरा फेस ही देखना चाहिए वो उसके लिए ड्रॉबैक है बट बेनिफिट आई टेल यू बिकॉज देर इज नो ग्लैमर टू इट नी है In a <laughs> यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि भैया आप इतने थोड़ा यार चलो अभी आप अच्छे नहीं दिखते हो आपकी आपका फेस कट अच्छा नहीं है तो चलो आपका काम कम हो गया like खिलाड़ी है उसको उतना ज्यादा वैल्यू है सो ग्लैमर ग्लैमर इज होता है कई बार बच्चों को राइट क्वेश्चन एक्चुअली कई बार बच्चे उस अट्रैक्शन से आते हैं ग्लैमर बट उसमें लॉट ऑफ मिक्स स्टूडेंट्स आज ऐसा लिमिटेड नहीं रहा है कि जिसको साउंड इंजीनियर बनना है उसी को साउंड इंजीनियरिंग सीखना है आज इफ इफ यू सी द द वे टेक्नोलॉजी द होल म्यूजिक प्रोडक्शन और साउंड डिजाइन अ वर्क स्टेशन ऑन योर लैपटॉप यू डोंट है स्टूडियो एनी मोर सो अच्छा कई बंदे हैं कई म्यूजिशियंस हैं कि जिनको

बहुत इन लोगों को भी साउंड इंजीनियरिंग सीखने आज के डेट में जरूरत पड़ गई है क्योंकि आज म्यूजिशियन भी आधा साउंड इंजीनियर बन चुका है और साउंड इंजीनियर भी आधा म्यूजिशियन बन चुका है सो सो इट हैज स्कोप इट्स नॉट दैट यू लर्न साउंड इंजीनियरिंग एंड यू जस्ट बिकम अ प्रोफेशनल साउंड इंजीनियर यू कैन बिकम अप्लाई दैट नॉलेज इन सेवरल अदर सीज एंड दैट इज वॉट यू रिक्वायर टू डू दैट सक्सेसफुली राइट उंड इट इज नॉट एवरी थिंग अनफॉर्चुनेटली टूज सीन दैट साउंड रिकॉर्डिंग मतलब म्यूजिक बिकॉज अगेन म्यूजिक इज ए ग्लैमराइज वे ऑफ लाइक आर्टिस्ट है उसका एक अट्रैक्शन बढ़ता है But if you look at what I mentioned about the television programs and OTT content and film content, you know there is a, a, so much of work of sound engineer into it and is so much valuable. If you see it's called audio visual media, audio comes first. It's not video or uh, audible media, it's the audio-visual media nam maybe audio. Or audio plays a very important role, like the, the kind of uh, sound effects which are created by sound designers for a film. Um, you know the impact that create the sound design makes for the listener and the viewer is immense you know you can't um, uh, um, uh, just restrict your ideas of sound recording just to music music is one aspect of it you know dialogue editing sound editing uh, sync sound dialogue recording then background score recording Mixing everything to a foley is such an important, you know, there's so many, and these are not known to people, but you know, when we do this course during that course, we have these, uh, we have made electives where uh, there's a post-production elective, music production elective and a live sound elective. That is the time students get introduced to this. And trust me, there were so many students who came to do music and eventually they found out, you know what, sir, foley me mujhe bahut attraction lag hai, interesting hai. And they have pursued that and they're really doing well in it. so it's not necessary that everyone ends up doing music recording so there are so many branches to it right 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 so thanks for that information because bahut logon ko iske bare mein pata nahi to pramod jab aap apne students ko bolte ho ki bhai tu theek hai social media mein active rahe uh, tu you know aajkal sab log whatsapp aur ye sab mein busy rehte hain as students also mm. hmm apne time mein matlab मतलब, i'm talking about only 15 years ago लोग पहले मैगजीन्स पढ़ते थे बीस साल पहले इंटरनेट था नहीं तो, तो अपडेट नॉलेज रीडिंग तो आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हैं मतलब ऑलरेडी आए हैं थोड़े साल हुए उनको वॉट गाइडेंस और टिप्सूव एंड स्किल्स आपने जो सोशल मीडिया या इंटरनेट रेवोल्यूशन की बात की Let me be um, uh, very clear about that. You know, everything, whatever, whatever change happens, there are a lot of good things in it and there are a lot of bad things in it. So, I would strongly insist that you should focus on what you get good out of it. And trust me, today knowledge is at your fingertip. In earlier days, we had to literally मुझे याद है मैं 500 500 रुपए में रद्दी वाले के पास से साउंड ऑन साउंड खरीद के लाता था और ये खाली मिलते थे चर्च गेट में. गेट में वो रास्ते पे बैठते थे sellers, वो पासो पासो में, मतलब मैं पैसे जमा करके उस टाइम पे नहीं यार, ये और उसको फिर, you know, so आज की डेट में आपके फिंगर टिप पे अवेलेबल है कि आपको एक भी चीज ढूंढनी है गूगल आपको ढूंढ के देगा जेरा सो मेनी वेबसाइट जेरा सो मेनी व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसके ऊपर से ये सब इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है सो आई दैट इट्स ब्लेसिंग

is not just giving you information he is actually shaping your personality if you see if you recollect why do we uh, remember our teachers from our school days or even in audio when whoever was your teacher he was not a teacher he was a mentor you know for art um, education of art you require mentorship you don't just require teachers so you know that mentorship is not just giving you information internet is just giving you information whatever you ask for you can ask for EQing a tabla and you might get 200 pages. Now, how to decide that which of them is right? There are 200 different ways of doing it. So, that's, that's where a mentor plays a role. Now, mentor, what we what I mean by saying a mentor is, he is not just uh, feeding information into you. He is feeding the information in the right sequence, how it should be. a sequence. sequence If you see... कि आप एक सेल्फ लर्निंग का मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट सेल्फ लर्निंग इज नॉट गुड प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी एट ऑल बट एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ आपने स्कूल में अंग्रेजी सीखा और आपने बात करते करते अंग्रेजी सीखा कितना डिफरेंस है इसमें क्योंकि बात करते करते जब आप अंग्रेजी सीखते हैं ना आप पचास मिस्टेक्स करते हैं आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने मिस्टेक किए जब कोई आपका दोस्त या वेल विशर आपको ना कि नहीं भाई ये ग्रामेटिकली रॉन्ग बात कर रहे हो आप इसको ऐसा किया जाता है अच्छा तब आपको नीड बेस्ड लर्निंग हुआ वो तब आपको अगर इच्छा होगी तो आप उसको या तो आप हर्ट हो जाओगे या तो आप उसको पॉजिटिवली लेके दैट चेंज इन यूर सेल्फ वेर एज स्कूल में पढ़े हुए बच्चे को जो सीक्वेंशियली पढ़ा है उसको पहले एबीसीडी सिखाया गया बाद में ग्रामर सिखाया गया बाद में सेंटेंस बिल्डिंग सिखाया गया, उसके बाद में स्मॉल लेटर्स लिखना सिखाया गया बाद में एस एस लिखना सिखाया गया और ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस दैट लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश अ पार्ट ऑफ इज ऑपरेटिंग सिस्टम ही डज नॉट है वे आपकी मदर टंग भी आपको जैसे सिखाई गई है इट अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सो व्हेन यू गो मेंटर एंड यू लर्न इट फ्रॉम कोर्स मेक साउंड इंजीनियरिंग एज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग know इंग्लिश और योर मदर टंग यू शुड नो साउंड इंजीनियरिंग तो उसके बाद में देन रेस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आर्ट देन

हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस टाइम पे मिक्स करते टाइम क्योंकि वो हमारी आदत रियाज हो चुका है कि देखिए जब यू नो इन लर्निंग एवरीथिंग एक एंट्री लेवल लर्निंग होती है एक इंटरमीडिएट होती है फिर एक थोड़ी सी एडवांस होती है एक हाईली एडवांस होती है अभी आप जिस टाइप का कंटेंट ढूंढने वाले हैं इंटरनेट पे स कंटेंट वॉट यूर लुकिंग्स ही क्लियर नहीं है तो आप एडवांस लर्निंग आप शेक्सपियर पढ़ के क्या करोगे जब आपको uh, एक ऐसे नहीं लिख पाते इंग्लिश पढ़ोगे सो इट इज लाइक दैट सो उसको सिक्वेंशियली एक मैंटर क्या करते हैं हमारे टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चे के आई क्यू एंड ई क्यू के हिसाब से वी कम डाउन टू हिज लेवल सो दैट ही विल अंडरस्टैंड

ट no, no, and... okay, you know, की इंफॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन से मैं कब सीख सकता हूँ जब मेरे फंडामेंटल एक्साम्पल एलटेल

ensure that this person understands it well i'll tell you at times it becomes easier to teach a non science background student because unki slate clear hai na wahan pe koi confusion nahi hai तो आपको कई बार क्या होता है पढ़े लिखे बच्चे या कुछ कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं जो खुद already sound engineer है उन्होंने थ्रू uh, the internet सीखा हुआ है आ, सीखा हुआ है और कहीं पे अट के इसलिए कोर्स करने आए बट उधर प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताऊं वी टाइम उनकी स्लेट को क्लियर करने में बिकॉज द फंडामेंटल एंड दे आर बेस्ड ऑन दैट उसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं आगे तो जब तक हमको एडिशनल एफर्ट करके वो स्लेट हम साफ करते हैं और उसके बाद उसमें नया लिखते हैं तो दैट इज एक्चुअली मोर दैट टेक्स मोर एफर्ट्स वेर हैज ए क्लीन स्लेट होगी तो इट इज मॉट इजियर टू राइट तो तो इसलिए ट्वेल्थ इसलिए हम कहते हैं कि एक मैच्योरिटी आ जाती है बच्चे में आप शायद कई बच्चे आउट ऑफ मुंबई से आते हैं तो उनको अलग इंडिविजुअल रहना पड़ता है तो इवन पेरेंट्स के लिए कॉन्फिडेंस होता है कि भैया ट्वेल्थ के बाद एक बच्चा मैच्योर्ड है एक अंडरस्टैंडिंग तक तो इसीलिए हम ट्वेल्थ कहते हैं एनी फैकल्टी इज फाइन तो प्रमोद अभी नाउ इन दीज टाइम्स एंड एंड फ्यूचर ऑल्सो वी आर फाइंडिंग बॉम्बे से बाहर से आना और बॉम्बे में रहना थोड़ा महंगा भी है लाइक यू से लेकिन कई माँ बाप को ऐसा है कि नहीं यार पता नहीं क्या बिगड़ जाएगा लड़का ऐसे ही फिल्म लाइन से डरते हैं ऊपर से बॉम्बे uh, में रहना स्पेशली फ्राम पीपल आउटसाइड दिटी तो प्लस इन दीज टाइम्स वेर वी डोंट नो अबाउट दीज न्यू न्यू बीमारियां जो निकल रही वी वॉक अबाउट इट बट माहौल बन जाता है ना डर का

So, even though there is a lot of negativity around in terms of um, the COVID 19 situation or um, uh, security, health uh, issues, and all those things. So, it is but natural that uh, uh, parents will be skeptical uh, to send their students uh, to a different place and stay there and learn. So, this is going to, but you know, I'll tell you with this uh, uh, advent, I see the positive that, you know,

मैं मेरे पे कर दिया कि उसके वजह से काम रुकने नहीं वाला है अभी अभी इनफैक्ट आई टेल यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल टू कंडक्ट ऑनलाइन प्रोग्राम सो दैट स्टूडेंट्स डोंट मिस ऑन देयर एडुकेशन ड्यूरिंग दिस कोविड फ्रॉम द लॉकडाउन आई थिंक मार्च के थर्ड वीक में लॉकडाउन अनाउंस किया विदूडेंट ऑफ साउंडी स्टार्टेडेंडिंग ऑल द ऑनलाइन क्लासेस सो हमने इमीडिएट ऑनलाइन चालू कर दिया था न किसी का भी एक भी क्लास डूबानी है We have. I'll tell you. We as um, as an institute, we have uh, gone through a special training for our faculties. We have gone under a teacher training uh, uh, module where we have trained our teachers how to conduct online programs. So you know, understand. We have we have been working on this. Actually, uh, I have been working on this online thing for almost a year, and this COVID thing came. And uh, I suddenly announced, like, uh, I would like to also let you know and uh, through your channel let the viewers know that we have launched SIA Online Academy uh, uh, during this COVID uh, break. And uh, it is getting a tremendous response. You know, the idea behind that was also the same thing. It's just like pre COVID, I'm saying. There are so many students who uh, are in remote areas, remote places in this country. Uh, a talent can be found in a remote village in Bihar also. टैलेंट वुड बी अवेलेबल इन एरिया में सबको पॉसिबल नहीं है कि वो उठ के मुंबई आ जाएंग इन मुंबई इज अग कॉस्ट देर आर ऑल्सो अदर लॉट ऑफ पीपल हु प्रोफेशनल्स की जो काम कर रहे हैं बट उनको ये सीखना है तो वो काम धंधा छोड़ के तो आ नहीं सकते यहाँ पे So, हमको कई जगह से ऐसी इंक्वायरी सीखी सर हमको भी सीखना है बट हम मुंबई नहीं आ सकते हैं एक कॉज बढ़ जाती है आई एम द ओनली सन टू माई फैमिली और मेरे माँ बाप को मैं छोड़ के नहीं आ सकता क्योंकि आई एम टेकिंग केयर ऑफ हमारा जो फैमिली बिजनेस है उसमें भी मुझे ध्यान देना पड़ता है बट मुझे ये सीखना है अभी उनके लिए हमने ये जो ऑनलाइन सोचा था ये मेनली फोकस करके उन लोगों के लिए कि वी वांटेड टू रीच देम आउट एंड हम उनको ऑनलाइन दे कि भैया आप आपके घर पे बैठो और हम आपको सिखाएंगे अभी अबाउट द ट्रस्ट डेफिसिट एज आई मेन्शन लोगों को जो ट्रस्ट डेफिसिट है कि ऑनलाइन में तो तो हम तो, might as well, हम YouTube के वीडियो सीख ले बिग डिट वी आर ट्राइंग टू गिव एंड इज अवेलेबल इज यू नो दे आर प्री रिकॉर्डेड विडियोज वी आर गिविंग रियल फेस टू फेस क्लासेस एज वी डू इन इंस्टीट्यूट so at a given time of the class you have to log in Me as a वो सब पॉइंट आपको मिलेंगे ना इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिकल्स कैसे हो सकते हैं साउंड इंजीनियरिंग ऑनलाइन नहीं सीखाया जा सकता नो माई डिफर फ्रेंड द टेक्नोलॉजी इज गॉन लिप्स एंड बाउंड साइड नाउ एवरीवन यूरिंग अ वर्क स्टेशन सो Right now, I can share uh, your screen, take control of your screen, and show you exactly how things are done. Like if you have a Pro Tools on your screen right now, I can take control of your screen uh, via technology and completely operate your system while you are just seeing it. So, you exactly, I am coming onto your system and showing you as I would have shown you in my laboratory. So, that is very much possible. Everything is on the workstation now. Other than that, what we have done is there are a lot of uh, analog gears which are used. It's not just about uh, workstation. But analog gears, we have invested into high-end 4K cameras and equipments where we can actually take, uh, conduct those, we will be conducting those classes from specific studios where we'll see physically show you each and each control of that specific equipment with the 4K resolution. So, you know, with that, you are not missing on that also. This is like a foresight. Well, uh, ऐसा लगता है किसी ने आपको पहले से बोल दिया था कि कोविड जैसा कुछ आने वाला है तो भाई अभी से ही चालू कर <laughs> नहीं नहीं ट्रस्ट कोविड नहीं बोला था बट या जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास बहुत इंक्वायरीज आई थी कि, कि कई दूर दराज के लोग जो सीखना बहुत चाहते बट आ नहीं पाते थे तो हमने उनके लिए सोच के बनाया था कि चलो वाई नॉट वी रीच देम देख टेल यू यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन इंडिया वी हैव गॉट इंक्वायरीज फ्रॉम श्रीलंका फ्रॉम अफ्रीका फ्रॉम बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान there are a lot of asian countries who want to learn so we are we are going to do this uh, also for, we are going to cater that area also once we come online and the difference is you know we are again teaching you face to face it's a live class so the, it's much easier you are talking with a mentor i would also like to add uh, in earlier discussions where you mentioned that uh, we, you were talking about

so you know what is a popular engineer a popular engineer is the person who is doing most of the work why is he getting most of the work trust me dekho sound engineering har um, जैसे हम अगर फिल्म के लिए काम कर रहे हैं या हम किसी uh, music album के लिए काम कर रहे हैं जो production है उसमें involved do you think production के हर बंदे को मालूम है sound engineering के all details no production a uh, production or the producer is known uh, he' is knowing about the aspects of film and he's doing a film. Out of that one department is sound. So how does someone select that this is the engineer I want to work with? It's not just with the work. obviously they understand work and how to do it. but you know you have to be likable. You know there are lot of soft skills involved in this profession of becoming a musician, becoming a music producer,

And the conclusion is the reason is somewhere in some of the soft skills is where they lack. So, what we do is we also train our students on those soft skills. It's called personality. We teach them what is communication, what is the importance of communication, what is the importance of body language, what is the importance of anger management, what is the importance of time management. You know, these all skills is what you apply when you get to a job.

Because I don't have to uh, have as student does not have to spend to stay in Mumbai. You know, every month uh, for a year, student will have to spend around three, three and a half lakh rupees just to stay and eat in Mumbai. Other than transportation, other than his personal luxury, other than everything. And at the same time, in a place like Mumbai, we have to spend a lot to have this infrastructure to teach him. So, so suddenly the student is also saving. We are also saving. So I am passing all that benefit to the student. Now the course is not as expensive as it used to be, so it's a winning situation for the student that you sit there on top of it. What we are doing, like you know, th this question will also arise out of this that, बॉस, uh, hey uh, I don't have a protocol system with me. आप बोल रहे हो कि हम आपको प्रैक्टिकल में सिखाएंगे आपके कंप्यूटर पे आके, but मेरे पास तो ऐसा कंप्यूटर है नहीं, बॉस, we have worked out with all these manufacturers and we have created a beautiful pre-configured system. for student and which is at a very discounted price, which will make it available for the students. So now this investment into the system is not just for learning. Once you have learned, tomorrow you can use this system to do your work and uh, make money out of it. So this is a pre-configured system. So we know what kind of system is required. We have already made it for you. When we will come to for a practical with you, we we will know know what software is there in your system and and we'll teach you you accordingly so it's you know, it's a win -win situation and it's a win-win situation better investment आपने, आपके पास एक सिस्टम मिल गई है अब आप ये सिस्टम को आगे सीखने के बाद आप कभी भी प्रैक्टिस भी कर सकते हो इतने ड्यूरिंग द होल कोर्स टाइम एंड उसके बाद यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट सिस्टम सो वी आर मेकिंग रियली विन विन प्रपोजल फॉर एवरी आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है मतलब सब कुछ कवर बट इट इज या यू नो पैशन आई हैव फॉर साउंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑल इयर्स एंड यू नो इट है योर पैशन योअर पॉजिटिविटी स्पीक्स थ्रू योर एक्शन एंड योर डीड्स एंड दिसंग फॉर द कम्युनिटी जिसके बारे में हम आगे फिर से बात करेंगे एंड थैंक्स फॉर मेकिंग अवेलेबल सच गुड सेटअप्स फॉर पीपल अक्रॉस द कंट्री हुन यू नो ऑल्सो ज्वाइन यूर अकेडमी और अकेडमी एंड हेल्प होपली वी कैन बी एबल टू सप्लाई गुड मटेरियल और गुड प्रोडक्ट टू द इंडस्ट्री We should be so positive that we, we create such a great community of these sound engineers and this new breed of sound engineers and music producers, which eventually will, we are laying the foundation for all these people so that the quality of music which we are churning out in this country will improve by time, over time. And you know, that is the main motive and get, give good sound outside. Yes. So, Pramod, thank you for spending time and uh, thank you for thank doing... Thank you so much, Aditya.

And uh, trust me, positively, we all will be out of this. And I would want to see each one, each one of you healthy in, come, uh, in the coming times. And thank you, Aditya, for inviting me. And namaste to everyone. Thank you. Thank you. See you Thank you.